हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इनवॉक कस्टम फंक्शन। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं इनवॉक कस्टम फंक्शन। ठीक है, और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि एड कॉलम में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको डिटेल से ये ऑप्शंस के फीचर्स क्या होते हैं वहां पर मैंने आपको बताया था। लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया था कि इनवॉक कस्टम फंक्शन, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, तब आपको इजिली समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवॉक कस्टम फंक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इनवॉक कस्टम फंक्शन इससे आप क्या समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पावर क्वेरी ट्रेनिंग है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा एक क्वेरी बनाते हैं आप, जिसको आप कहीं पर भी कोई एक्शन ले सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई करना है उस फंक्शन को, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल को मैंने एक्सेल से इंपोर्ट किया है। आप सभी को आता होगा, अगर आप मेरी रेगुलर सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि कैसे हम एक्सेल टेबल इंसर्ट कर सकते हैं पावर क्वेरी में। करेक्ट है, आप देख सकते हैं नेम है, सेल्स है, देन क्वांटिटी है। ठीक है, आज हम सीखेंगे इनवॉक कस्टम फंक्शन। ठीक है, लेकिन इनवॉक कस्टम फंक्शन बनाने से पहले आपको एक क्वेरी यानी फंक्शन बनाना पड़ेगा। करेक्ट है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, पहले आपको एक ब्लैंक क्वेरी इंसर्ट करनी होगी। ब्लैंक क्वेरी कैसे इंसर्ट करते हैं, या तो माउस से राइट क्लिक कीजिएगा, ये न्यू क्वेरी आ रहा है, ये देखिएगा अदर सोर्सेस आ रहा है, ये देखिएगा ब्लैंक क्वेरी है। ठीक है, यहां से भी जा सकते हैं आप, या तो आप होम पे जाइए, न्यू सोर्सेस पे जाइए, ये आ रहा अदर सोर्सेस, यहां से भी आप ब्लैंक क्वेरी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहां से इंसर्ट करता हूं, ये आपने इंसर्ट किया, ये क्वेरी आ गया। आप इसको नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए, इस पर आप कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। करेक्ट है, हम क्वेरी वन रखते हैं। करेक्ट है, अब यहां पर आपको फंक्शन क्रिएट करना होगा। ये देखिएगा फॉर्मूला विंडो है, ठीक है, यहां पर आपको फंक्शन लिखना होगा। ठीक है, एक है तरीका ये, यहां पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है ब्लैंक क्वेरी आपने इंसर्ट की, देखिएगा अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं वहां पर मैंने आपको होम रेबन के जितने भी सारे ऑप्शन हैं उनके एक एक करके आपको बताया होगा। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया था एडवांस एडिटर। अब ये क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया था वहां पर आपको अगर आप फंक्शन की नॉलेज है, वहां पर कुछ फॉर्मूला आपको इंसर्ट करना है, वहां से आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एडवांस एडिटर पे क्लिक करता हूं मैं, ये देखिएगा न्यू विंडो ओपन हो गई। ठीक है, यहां पर ये देखिएगा लेट और इन, ये क्या है, लेट से स्टार्ट होता है, इन यानी कि फॉर्मूला का आउटपुट आपको देना है। ठीक है, एक काम करता हूं, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर आपने सिंपल लिखना है टोटल सेल्स, फॉर्मूले का नाम, ये क्वेरी है, मान लीजिए आप ये फंक्शन बना रहे हैं। करेक्ट है, ये क्या होनी चाहिए, ब्रैकेट ओपन एक्स एस नंबर फॉर्मेट, ठीक है, वाई एस नंबर, इतना आपने लिखा। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन है, इसमें आप क्या फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज इसमें आप x इंटू वाई, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि x इंटू करेगा y को। करेक्ट है, अब आपको इन में यानी आउटपुट, ये देखिए सोर्स लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट, एक काम कर लीजिएगा इसको डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद आपने एक काम करना, टोटल से इसको कॉपी कीजिएगा कंट्रोल सी और यहां पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपने यहां पर एज इट इज पेस्ट किया। अब ये क्या बता रहा है, नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, यानी कि आपके फॉर्मूले में कोई एरर नहीं है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इतना किया आपने, उसके बाद कर देना आपने डन। जैसे ही आप यहां पर डन इंसर्ट करोगे, आप देख सकते हैं एक विंडो ओपन हो गई, ये देखिएगा यहां पर पैरामीटर की विंडो क्रिएट हो गई है। ठीक है, एक्स और वाई, अब आप सभी को मालूम है आपने क्या डिफाइन क्वेरी की थी, एक्स इंटू वाई, यहां पर लेट सपोज आप टू करते हैं, यहां पर करते हैं थ्री। अब नीचे क्या आ रहा है, इनवॉक, इनवॉक का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी क्वेरी आप बनाते हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इनवॉक पे क्लिक करोगे तो कितना आ रहा है, सिक्स। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, अब आपने क्वेरी तो बना दी है, इसको हो सकता है आपके पास मल्टीपल टेबल हो, वहां पर आपको ये अप्लाई करना हो, समझ गए आप, तो कैसे करना है, क्वेरी आपने बना दी है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यहां पर जाता हूं डिलीट कर देता हूं, डिलीट आपने किया। ठीक है, ये क्वेरी आपने बना दी है, ये तो आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि क्वेरी आप कैसे बना सकते हैं।
करेक्ट, यहां पर आप एक्स वाई की वैल्यू दे सकते। अब आते हैं टेबल पे वापिस, ये देखिएगा आपका टेबल यही है, करेक्ट है। अब आपको एक कॉलम यहां पर इंसर्ट करना है और आपको ईच रो में जो भी डेटा है वहां पर वो क्वेरी जो आपने बनाई है वो अप्लाई करना है। कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए ये देखिएगा, जैसे कि एड कॉलम में मैंने आपको बताया था इनवॉक कस्टम फंक्शन का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, करेक्ट है। यहां पर आपको इस पे आप क्लिक करना है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया, ठीक है, न्यू विंडो ओपन हो गई, ये देखिए यहां भी नजर रखिए आप, ठीक है, न्यू कॉलम नेम कुछ भी आप दे सकते हैं, यहां पर मान लीजिए टोटल सेल्स दिया आपने, ठीक है। फंक्शन क्वेरी, क्वेरी वन, ये देखिएगा क्वेरी वन, अभी आपने एक फंक्शन बनाया क्वेरी के नाम से, ठीक है, इसके अंदर देखिए एक्स को आप क्या देना चाहते हैं, डेसिमल नंबर, या तो आप नंबर यहां पुट कीजिएगा या तो आप टेबल में कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा। अब मान लीजिए आप सेल यहां पर सेलेक्ट करते हैं, वाई पे जाते हैं, दोबारा से कॉलम नेम यहां पर देते हैं क्वांटिटी, यानी कि सेल्स इंटू क्वांटिटी, टू इंटू टू कितना आना चाहिए, फोर, बिल्कुल सही सोचा आप, ठीक है, ओके, जैसे हिट करते हैं ये देखिएगा टू इंटू टू फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ठीक है। तो उसने हर रो में जाके वहां पर इंटू किया है, करेक्ट है। आपने सिंपल एक क्वेरी बनाई, इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेरी बनानी है, आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल क्वेरीज भी यहां पर बना सकते हैं, वहां पर लॉजिक दे सकते हैं, कोई फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनवॉक कस्टम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आप इनवॉक कस्टम फंक्शन का यूज कर सकते हैं और कैसे क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, देन उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल में, करेक्ट है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको आई होप बिल्कुल समझ आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।